नमस्ते। रिकॉल के कदम से पूरे देश को इकट्ठा करने वाले गौतम के साथ एक बातचीत। श्री विद्या निकेतन के विद्यार्थी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वेलकम टू माय शो गौतम। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। भारत देश में करोड़ों लोगों के मन में रिकॉल का ऑप्शन नहीं आया, आपके मन में कैसे आया, जान सकता हूँ? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की सोच रहा हूँ। जरूर पूछिए। आप बस जवाब में सिर्फ हाँ या ना कहिएगा। ओके। देश के नेताओं की वजह से सभी मुश्किलें सुलझ गई हैं, ऐसा आपको लगता है? नो। हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे, क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? नो। जब से आजादी मिली है तब से अमीरों और गरीबों के बीच का गैप कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नो। मैं भी ऐसे ही नो 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 कहकर थक गया था और इसीलिए मुझे रिकॉल का ख्याल आया। रिकॉल की वजह से नेताओं में बदलाव आएगा, आपको लगता है? वोटर वोट के साथ बैलेट बॉक्स में विश्वास डालता है कि इस वोट से उसका भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहाँ वोट से नेताओं का तो भला हो रहा है, लेकिन वोट डालने वाले का नहीं। क्यों यहाँ किसी नेता को वोटर का डर नहीं है? अगर हम उनमें वो डर पैदा करें तो वो अपना फर्ज निभाएंगे, सही राह पर चलेंगे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया है। हमारे सामने समस्या है तो उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा, और मुझे लगता है कि इस समस्या का हल है नेता का अधिकार जनता के हाथों में आना। ये सब आप ही करने की क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर गांधी जी ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिलती? किसी ना किसी को तो ये सोचना ही होगा ना, तभी बदलाव आएगा। अगर इसी तरह से हर एक व्यक्ति रिकॉल को मानेगा तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा उसका। रिकॉल अगर एक जगह भी होता है तो इंडिया को रिकॉल की ताकत का अंदाजा होगा। हर नेता गलती करने से पहले दोबारा सोचेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तब जनता को रिकॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार इलेक्शन नहीं होगा। आप मंत्री भानु शंकर पर रिकॉल इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको 30% लोगों का समर्थन चाहिए होगा अगर आप इलेक्शन कमीशन से किसी के लिए रिकॉल मांगते हैं तो। मेरे पास 1,00,000 के ऊपर वोटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल साइट्स पे जो रिएक्शंस हैं उनको देख करके आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आने वाले रविवार को 10 बजे उसी बंजारा हिल्स के ओपन लैंड में 1,00,000 के ऊपर लोग रिकॉल पिटीशन सपोर्ट करने आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ओके, थैंक यू गौतम, आप हमारे शो में आए। अब आने वाले रविवार को हम, विद योर परमिशन, स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहता हूं। क्यों नहीं। थैंक यू। इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस देश में बात करने के लिए और लिखने के लिए तो पूरी आजादी मिलती ही है। क्रिकेट में, टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020 सब में इंडिया ही टॉप पे है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जात, मजहब, समुदाय भले ही अलग हो, फिर भी हम सब एक ही हैं। आप हंस क्यों रहे हो गौतम? उनकी बातों में आखिर गलत क्या है? क्या भारत देश एक महान देश नहीं है? इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री? है ना सर, इन्होंने कहा ना, क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया नंबर वन है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम भी है। बताइए गौतम, आप हंस क्यों रहे हैं? इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं इंडिया एक आजाद देश है, क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी तो आजाद देश हैं। इंडिया के इर्द गिर्द 108 देश हैं जो आजाद हैं। इंडिया सबसे ग्रेट कंट्री है ये कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 58% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर गिनती करें तो हर 3 गरीब लोगों में एक इंसान भारतीय है। देश के बिलियनर्स की अगर गिनती करें तो इंडिया तीसरे स्थान है, लेकिन इंडिया के 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स इंडिया इज एट 112। इन मीडिया फ्रीडम इंडेक्स वी आर एट 133। डिजास्टर रिस्क इंडेक्स इंडिया इज एट 77। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 79। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131। देन हाउ आर वी द ग्रेटेस्ट कंट्री? एक वक्त था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। दुनिया का सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश से था, आर्यभट्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हमारे देश से था, चाणक्य। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना लाठी या बंदूक उठाए हमारे इस देश ने आजादी हासिल करके दिखाई। हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता,
हम ऐसे ही जीना सीख गए, पर अब बदलाव लाना होगा। बदलाव आएगा, हम बदलेंगे, और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को, क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। उन्हें ठीक करने का तरीका है ये रिकॉल।